सो हेलो एंड फिर से स्वागत है आपका सागर भट्टा के एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो वैसे तो थंबनेल में देख के आप सब कुछ हद तक तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सबसेंस जो है अपन बना के रखेंगे। तो अभी ये सब काम चल रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ ताकि स्कूल जो है गिर न जाए, ये सबके घर में होता है। तो एक बार ये काम निपटाएंगे अपन, फिर बाद में अपन लोग थोड़ा आगे प्रोसेस करेंगे अपने। आज मतलब हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट में मेरे जो है बने थे 75%। मतलब मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने नंबर भी मेरे बन जाएंगे। मैं तो कुल मिला के यही चाहता था कि एक बार पास हो जावे, क्योंकि दिमाग पे वैसे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोड था, जो बात का बहुत ज्यादा कम टाइम था। फिर मैंने सोचा यार जो होगा देखा जाएगा, एक बार जिस हिसाब से पढ़ना है मतलब पढ़ लेते हैं। तो अभी मैं आया था फतेह सागर पे भाइयों के साथ। तो ये सब भाई बैठे हुए इधर, एक नहीं चचा कमली दादा, ये मेरा भाई है, और रवि गुजराती। तो एक बार मैं इनसे पूछता हूँ, देखे कि भाई 75% पे केक लाना मतलब ये तो मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गया, क्योंकि 70% पे कौन केक लाता है। मतलब एक नहीं भाई, आप तो केक लावा ही नहीं। हम लाते हैं। ये लाते हैं पर अपन तो नहीं लाते, क्योंकि भाई 90% बनता तो क्या करता, 90% पे क्या करता। अरे सीधा चला बनता कर, तू क्या कर दो, तू क्या कर दो, पूरी जल्दी में बेकरी खरीद के दे। ठीक है भाई, पहली बेकरी वाले ध्यान रखना, मेरे 90% बन गए तो आ जाना देने। तो अभी एक भाई जो है उससे मतलब कुछ मंगवाया है, ये तो छोटा सा पेस्ट्री, और वो लेके आए थे भाई छोटा सा मतलब मनोरंजन के माध्यम से, या फिर बैठने मतलब छोटा बैठने को भी मिल जाएगा, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, बातें भी कर लेंगे, खा भी लेंगे। तो अभी एक भाई तो क्या है वो स्प्राइट की बोतल लेने स्प्राइट की बोतल लेके आ रहा है। वो भी ज्यादा कुछ लोग में बोलेंगे नहीं, क्योंकि वैसे ही नॉइज तो बहुत ज्यादा आ रही होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि ज्यादा जोर से बोलूं ताकि सिस्टमेटिक आवाज जावे व्लॉग में, लोग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। एक अचीवमेंट और है व्लॉग की, वो अभी वो भैया आता है, फिर बाद में सेलिब्रेशन ही दिखेंगे। गिफ्ट लाया सब रे, थारे नहीं लाया बजे बीती दी ये मोबाइल ये I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us and love is all we no I don't wanna waste what's left and we'll go। थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे जो है वो थोड़ा जो है ये क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कैसा है तो एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, मतलब मैंने सोचा था पहले क्योंकि इससे बड़ा लाने वाला था, कुछ महंगा लाने वाला था, पर मेरे पास अभी इतना ही बजट है अपना, तो उस हिसाब से मिला। मैंने वहाँ टेस्ट किया था, मतलब पहले देख लेते भाई कोई चीज़ खराब तो नहीं है, तो वहाँ मैंने एक बार ट्राई किया, तो स्टार्ट करके देखते हैं कैमरा कोई फॉल्ट वोल्ट नहीं। मेन ज़्यादा मैंने सर्च नहीं किया था, थोड़ा बहुत देखा था फोटो इस तरह घुस मक्खन एकदम बढ़िया, एकदम मस्त बढ़िया गिले नहीं, तो कुछ मिले नहीं, मिले गिले नहीं देखे। ये शायद इसका 18 वोल्ट का है, पता नहीं क्या है, अच्छे किसी साइज का है, छोटी सी टेबल बोले।
गिफ्टें कही थी मम्मी से सुबह सुबह कि भाई कुछ ना कुछ गिफ्ट लाना पड़ेगा, कुछ हैवी वाला। मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं बताया, मतलब आज एक घंटे तक लगभग मैं इस फोन के लिए बैठा रहा कि मुझे फोन देना है, आएगा फोन लेके जाऊंगा। घर पे आने के बाद मैंने बिल्कुल नहीं बताया, मैंने सोचा बाद में जब अपन लोग ऐसे रिलैक्स बैठे होंगे या फिर उस टाइम जिस टाइम मतलब जब अपना माइंड रिलैक्स होता तब एकदम से कोई अपन को मतलब गिफ्ट मिलता है ऐसी कुछ चीज़ मिलता है। चलो 5G मैं ले रहा हूँ 4G और बहुत ज्यादा लाइट वेट है ये फोन, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है, 190 ग्राम का है। और ये Redmi Note 9 तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा ये जो फोन है ये मैं Redmi Note 9 Pro से शूट करता हूँ, और इस फोन का जो वेट बहुत ज्यादा है क्योंकि ऐसे में फोन पकड़ के रखता हूँ तो बहुत ज्यादा वजन लगता है इस फोन में, तो मेरे से तो लाइट वेट फोन लगता है इसलिए मैंने ये चूज किया। अब जो मैं मल्टीपल मल्टी कैमरा से जो शॉट लेता हूँ वो मैं ले सकता हूँ, ये भी 48 है और ये भी 48 है, तो मतलब कैमरा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्वालिटी जो है आपको वही देखने को मिलेगी, लेकिन इसमें 60 FPS आती है, इसमें 30 FPS है, तो वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो वो कोई कहीं जगह पे करना पड़ेगा। अच्छा तो मैंने फोन भी नहीं देता। तो भैया और बहनों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही खतरनाक कंटेंट के साथ। अब जो है थोड़ी एक्सट्रीम चीज़ें भी लाएंगे अपन लोग, और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट जो है मैं अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि शॉर्ट्स की जो रीच है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि इस पर तो कोई देखता तो है नहीं यार, शेयर वेयर करा कर रहा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सब लोग अपने घर पर रहें और अपना ख्याल रखें, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय। हरी बोल जय श्री राम। समय समाप्ति की घोषणा।